हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायराज किचन। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ घी बनाने की रेसिपी। हम मलाई से मक्खन कैसे निकालें और मक्खन से घी कैसे निकालें, वो भी बहुत ही ज़्यादा जब गर्मी होती है तब कैसे हमें निकालना है, और बहुत ही जल्दी निकल जाएगा फटाफट बहुत ही कम मेहनत में। तो ये मैंने मलाई ली हुई है, मलाई मैंने एक हफ्ते की मलाई ली है और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था। मैंने 2 घंटे पहले निकाल लिया है क्योंकि इससे मलाई ख़राब नहीं होती फ्रीज़र में रखने से। तो इसको हम जार में आज निकालने वाले हैं। इसको जो मलाई से मक्खन बनाएंगे ना, इसको हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डालेंगे, यानी मैंने आधा ले लिया है, पूरा एक बार में नहीं डालेंगे। और मैंने ये ठंडा पानी लिया है क्योंकि मलाई भी ठंडी है और मैंने ठंडा पानी भी ले लिया है। तो इसमें डाल देंगे आधा गिलास, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। कवर करने के बाद जार को हम इसमें लगा देंगे और धीरे धीरे हम बंद करके इसको चलाते जाएंगे, थोड़ा सा चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मक्खन बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही कुछ सेकंड्स में ये मक्खन बनके तैयार हो जाता है। तो मैं सारे इसी तरह से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है। अब चम्मच को भी हम साफ़ कर लेते हैं और मक्खन को अलग कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में ही बन जाता है और बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते हैं और बहुत आसानी से जार भी हमारा साफ़ हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे साफ़ करना है। तो सबसे पहले ये मक्खन हम अलग कर लेते हैं दूध से। तो ये देख सकते हैं एक साइड में सारे मक्खन आ गए और बहुत ही अच्छे से निकलते, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गोला बना के इसको मैं निकाल ले रही हूँ ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। तो ये गोला बना के मैंने निकाल लिया है और पूरा इसी तरह से बना के रख लेते हैं। ये देखिए मैंने मक्खन अलग कर लिया है और दूध भी साइड में रख दिया है। तो कढ़ाई में इसको हम डाल देते हैं। अब इसको हम, मैंने अभी गैस का जो फ्लेम है ना उसे फुल रखा है। अब ये घी बनने के लिए हम रख देते हैं और उसके बाद हम बर्तन अपना साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये चिपका हुआ है अभी इसमें। तो आप चाहें तो पानी, गर्म पानी से इसे वॉश कर सकते हैं क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो टैप का पानी भी गर्म ही आता है। तो मैंने इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और मैं इसी तरह से ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है क्योंकि ठंड में जो होता है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें पानी गर्म लेना होता है। और अगर आप चाहें तो गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही इसको धुल लेती हूँ, इसकी जो चिकनाहट है पूरी तरह से निकल जाएगी, बहुत ही टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो रबर भी हटा के इसको साफ़ कर लेते हैं। तो वो बहुत ही कम टाइम में हमारा जो मक्खन है ना वो तैयार हो जाता है। बर्तन भी मैं इसी बीच साफ़ कर लेती हूँ। उधर हमारा घी भी तैयार हो रहा है, इधर मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो फटाफट से ये साफ़ हो जाता है, अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल, तो ये जार भी साफ़ हो गए, इसमें चिकनाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इधर हम घी देख लेते हैं, ये पकने लग गई है पूरी अच्छे से। ये आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था बीच में और इसे अभी फुल फ्लेम पे मैं पका रही हूँ और ये घी पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो अगर फुल फ्लेम पे पकाएं तो इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो ये घी भी हमारा बनके लगभग तैयार हो गया है। जो इसका कलर चेंज हो जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा घी हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही कम टाइम में और झटपट से बन गया है। तो इसे अब हम छान के निकाल लेंगे एक बर्तन में, जिसमें आपको रखना हो आप इसको छान के निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घी भी बना है और मलाई भी हमारी कितनी थी उसी कटोरी में मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। और बहुत ही जो इसका मावा होता है ना बहुत ही कम निकलता है, ये आप देख सकते हैं इसी छन्नी में ही निकला है। और जो दूध बचा हुआ था ना, दूध की आप पनीर बना सकते हैं या फिर आटे में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मावा इसका निकलता है इसको भी आप रोटी आटे में गूंथ के रोटियां बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं इसकी रोटियां। या फिर आप लड्डू वगैरह या बर्फ़ी कुछ भी बना सकते हैं, इसका कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है। तो ये हमारी घी बनके तैयार हो गई है, फटाफट से घी बन गई है और बहुत ही खुशबूदार है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।